सॉरी बुलबुल, शायद मैंने तुम्हें ज्यादा बोल दिया। बुलबुल, हमारा समाज ऐसा ही है, हमारे कुछ भी ओपिनियन हो, हमारी कोई भी सोच हो, लेकिन समाज तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा वो है, और हमें हमें उसी समाज में, उसी सोसाइटी में एग्जिस्ट करना पड़ता है। हम कुछ नहीं कर सकते। पर हम सफाई से भी तो रह सकते हैं। माना हम समाज का कचरा साफ नहीं कर सकते, लेकिन अपने दिमाग का तो कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, हम अपने दिमाग का कचरा साफ कर सकते हैं बुलबुल, लेकिन समाज के कचरे को साफ होने में वक्त लगेगा। और आपको अपने लोगों की सुरक्षा तो समाज के कचरे से करनी है ना, उनको तो बचा के रखना है ना। और तुम्हारे थानेदार साहब ने दिमाग के कचरे की पूरी सफाई करेंगे, जब तक तुम मौका नहीं दोगी तो थानेदार साहब ये गलती ठीक कैसे करेंगे? एक मौका तो मिलना चाहिए ना बुलबुल। गलती सुधारने का हक तो सबको मिलना चाहिए ना। करेक्ट। थानेदार साहब, कभी अगर मारे से कोई गलती हो जाए तो आप मारे को एक मौका दोगे ना? मैं चाहती हूँ थानेदार साहब कि वर्णिका की बात आपसे छुपा के मैं सही काम नहीं कर रही, पर क्या करूं, उसके कसम ने मारे को बांध रखा है। बुलबुल, मुझे ना पूरा विश्वास है तुम पर और मुझ पर और हम पर कि जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं हो सकता, इतनी बड़ी कोई गलती नहीं हो सकती जहां तुम और मैं एक दूसरे को माफी न कर। मिठास ये लो खाओ, मैं चेंज करके आता हूं। मैं शायद सब संभाल लूं थानेदार साहब, पर जो नहीं संभाल पाई ना, और ये बात आपको पता चली तो प्लीज आप समझिएगा, मैं ये सब वर्णिका और परिवार की इज्जत बचाने के लिए कर रही हूं। अरे वाह बुलबुल, इतनी बड़ी रंगोली इतनी जल्दी बना ली। बुआ सा, ये तो बहुत आसान है। देखिए, मैंने ना इस कंघी और इसकी मदद से बनाया। ये देखिए, कंघी की मदद से मैंने ऐसे लकीरें बना दी, और सुपारी की मदद से गोलम गोल डिजाइन भी बना दी। ये देखिए। वाह बढ़िया है, बहुत सुंदर बुलबुल, कितनी सुंदर बनाई है। चलो बेटा, अब ये हो गया है ना, तो बाकी काम भी निपटा लो। पता है ना तुम्हें, मेहमान आते ही होंगे मेहंदी के फंक्शन के लिए, और फिर तैयार भी तो होना है। जी माँ साहब, आप लोग चलिए, मैं बस ये अच्छे से करके आ। चलिए भाभी साहब, जल्दी से बाकी काम भी देख लेती हूँ। अब भाई साहब, इसे नीचे तक लगाना। बुलबुल की बच्ची मुझे पहचान न ले। भाई साहब आप ठीक है ना? ध्यान से चलिए, देखिए अभी हमारा भी सब कुछ गिर जाता। अब ठीक है ना? हाँ मालकिन, सॉरी। अच्छा भाई साहब सुनिए ना, आप है ना ज्यादा से ज्यादा गुलाबी फूल का इस्तेमाल करिए, ठीक है? हाँ भाई साहब, शायद मैंने आपको कहीं तो देखा। ये सजावट देख लीजिए, ठीक है ना? अरे आप हमारे साथ चलिए, मैं आपको बताती हूँ। आइए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो मैं बड़ी मालकिन, मेरा मतलब ये है कि सब लोग काम में लगे हुए हैं, तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? वो मैं मामा, ओहो हो, इसमें समय बर्बाद क्यों कर रहे हो, जाकर अपना काम करो। अच्छा सुनो, वो जो झूमर है ना, उसके नीचे स्टेज बनेगा, स्टेज अच्छे से बनना चाहिए, और सारी डेकोरेशन जो है ना स्टेज पर बहुत सुंदर होनी चाहिए,
फूलों से लाइटों से सजाना। आप बहुएं और सारी बेटियां वहीं बैठकर मेहंदी लगाएंगी, ठीक है? जी जी बड़ी मालकिन, हम कर देंगे। अब सुनते ही रहोगे मेरी बात, जाओ काम पे लग जाओ, मेहमान आते होंगे। लड़ियां वहां से वहां तक लगेंगी, हाँ जैसे बुलबुल ने बोला है बिल्कुल वैसे। माँ साहब। हाँ बेटा। मैंने मेहंदी की थाल है ना वो सजा दी। वो तो बहुत अच्छा किया, लेकिन एक बार ना रसोई में भी नजर मार लो। वो क्या है ना कि खाना स्वादिष्ट होना चाहिए। तुम एक बार देख लोगी ना तो मुझे तसल्ली हो जाएगी। जी माँ साहब, मैं बस महाराज जी से बात करने ही जा रही हूँ, मैं उन्हें सब कुछ समझा दूंगी। कल रात तो तू बच गई बुलबुल, पर आज जैसे ही तू इस झूमर के नीचे आएगी मैं इसे गिरा दूंगा और तेरा खेल खत्म। मानना पड़ेगा भाभी साहब, सजावट तो बहुत चौकी हुई है। बहू हो तो बुलबुल बिन्नी जैसे, और आज अपने बन्ना बन्नी गीत गाने के लिए खास मंडली भी बुलाई है। खूब रंग जमेगा, बहुत मजा आएगा। मैंने आज कमिश्नर साहब को कमिट किया है कि 24 घंटे के अंदर ही अंदर हम खूनी को पकड़ेंगे। यस सर, हमने अपने सारे इन्फॉर्मर्स को एक्टिव कर दिया है और बाकी के सारे पुलिस स्टेशन में भी खबर भिजवा दी है। सर, रतन के बारे में जैसे कुछ पता चलेगा वो हमें खबर करेंगे। और जिस रेस्टो बार में हम गए थे वहाँ का सीसीटीवी तो खराब था, लेकिन सर उससे थोड़ा सा पहले एक एटीएम है, उस एटीएम की सीसीटीवी को अच्छे से स्कैन करो, देखो उसमें कोई घाघरे वाली लड़की, ऐसे ट्रेडिशनल वेयर में कोई लड़की है क्या जो वहाँ से गुजर रही है, या जिस गाड़ी पर वो आई है गाड़ी का नंबर क्या है, चेक करो, इन्वेस्टिगेशन में मदद मिलेगी। सर एक और चीज बताओ। सर, हमने मोहनलाल के ज्वेलरी शॉप में काम करने वाले लड़के को क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया है। गुड, देखो अगर ज्वेलरी शॉप पर काम करने वाले लड़के को कुछ याद आता है तो कुछ बेहतर इन्फॉर्मेशन दे पाएगा तो इन्वेस्टिगेशन में मदद मिलेगी। चाची, चाची कहीं आपके पायल और उस मिसिंग घुंघरू की वजह से हम फंस गए तो? लेकिन वर्णी काम में ये पायल ना निकाल सकती, थानेदार साहब ने बहुत प्यार से दिए, अगर उन्होंने हमारे पैर में ये पायल नहीं दिखे और उन्होंने पूछा कि पायल का है तो मैं क्या जवाब दूंगी? तो चाची अब क्या करें? ये सबसे ज्यादा जरूरी ये पता लगाना है कि आखिर ये सरजी कौन है, क्योंकि कल रात जो हमारे साथ हुआ उससे ये साफ है कि ये सरजी बहुत खतरनाक है। बुलबुल वर्णिका, जी थानेदार साहब, कॉलेज नहीं जाना है क्या? जाना है ना कॉलेज, जाओ बैग बैग लेके आओ, चलो चलो। जी मरना तो तुझे आज है बुलबुल, घर में ना सही कॉलेज पे ही सही। हमारे को तो ये विषय समझ में ही नहीं आ रहा है, ये पढ़ते ही ऐसा लग रहा है हमारे दिमाग में ना घंटी बज रही है, टन टन। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कैसे होगा? मैंने थानेदार साहब को बुलबुल प्रॉमिस भी किया कि मैं 63% ला के दिखाऊंगी। देखो क्या क्वेश्चन है, दिखाओ। वैसे अब सुनो, मैंने सुना है यहाँ पे कोई सरजी है कॉलेज में जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, कौन है ये सरजी? या तो सब मैम है या फिर सर है, मैंने तो कभी किसी सरजी के बारे में नहीं सुना। बस अभी बुलबुल मुझे अकेले में मिल जाए, इसका खेल इसी कॉलेज में खत्म। सुनो अब मैं थोड़ी देर बाद आती हूँ। जब तक ये केस ठंडा नहीं हो जाता तुम मुझे अपनी लोकेशन अपडेट करते रहना। टेंशन क्यों ले रहा है प्रिंसिपल? यही हूँ तारे शिक्षा के मंदिर में, अपनी पुरानी मंगेतर पे नजर रखा हूँ, बस 2 मिनट और रुक। फिर ऐसा कारनामा करूंगा कि इस बुलबुल का राम नाम सत्य होगा।